कोई नहीं तुम्हारी, राज रानी हो महारानी हो, मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी महाराज, तुम न मानो न मानो, क्यों मुझे सताने आए हो? सताने नहीं मनाने आया हूँ, मनाने नहीं महाराज सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। बात की बिन मांगे मोती मिलते हैं तो रानी जी सम्मान मांग का, रानी जी पूछो अपनी पटियों से, अरे प्रीतम की प्रिया इसी से हो भरती हो नित्य मोतियों से, ऐसी वैसी से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। अच्छा छोड़ो, तुम चाहते क्या हो महाराज? उन्होंने कहा तू पावक संदेह। जी महाराज। हाँ ध्यान आया, तुमने दो वरदानों की बात की अपने, तुम्हारे दो वरदान मेरे पास थाथी रूप में है, तू थाथी राख न मागेऊ काऊ विसर गेऊ मंभोर सुभाऊ, लेकिन मैं कहता हूं क्षत्रिय हूं, दो के चार मांग के लेहू झूठ में दो चंदे हू, दो के बदले में चार ले लो, लेकिन झूठा दोष में मत दो, ने असत संपातक कुंजा ग्रीष्म होए कि कोटिक कुंजा, असत के समान कोई पाप नहीं है, इसलिए दो के बदले में महाराज। तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, अच्छा मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्राण वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी करते हैं। महारानी चाहे हो जाए मृत्यु संत्र, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। विलक्षण वाणी है तेरी महारानी, कभी कहती तुम मेरे कोई नहीं हो मुझसे दूर चले जाओ, कभी कहते हो मेरे स्वामी हो मेरा मन रखने वाले हो, समझ में नहीं आ रहा आज तुम्हें हो क्या गया है, कभी स्वामी कहती हो कभी दूर करती हो, कहती हूँ सर कट जाए तो सुनो हम रघुवंशी हैं, ये गर्जे अति वर्षे न बूंद, ये धोखा मेघों में है, अरे जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है, क्योंकि रक्कुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, मैं ना क्रोध कर रही हूँ ना मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूँ। अच्छा कुछ क्रोध नहीं, उसे बाकी कुछ रह नहीं गया ना, कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, हे मेरे नाथ मेरे प्राणनाथ, सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। आज तुम कह रही हो तुम पुरुषों पर विश्वास? बिल्कुल नहीं महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं तुम्हारी इन बातों में बहकने वाली नहीं हूँ। अच्छा? बिल्कुल नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की। महारानी तुम्हें क्या हो गया है, लगता तुम्हारी मति भौरा गई है। मेरी मति नहीं भौरा गई, तुम इस पर संदेह कि सच्चे हो रघुवंशी, इस पर भी संदेह तुम्हें। जी महाराज, कह रही हो कि सच तो है राजा जी, तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। एक राजघराने की रानी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे कि सच तो है राजा जी, तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। महारानी सुनो, पति और पत्नी एक दूसरे के विश्वास रूप पर बंधन पर बनते हैं। दंपति जीवन विश्वास के बंधन पर होता है। जिस दिन पति का विश्वास पत्नी से हट गया या पत्नी का विश्वास पति से हट गया, उस दिन जीवन नौका पार होने वाली नहीं है, क्योंकि विश्वास के बंधन पर बांधे जाते हैं। आज तुम कह रही हो कि विश्वास नहीं है, लेकिन हम क्षत्रिय है रघुवंशी है, विश्वास दिलाना है। तूने एक बात कही, सुगंध राम की खा जाओ। जबकि मैंने पहले ही कहा था, भावनी राम सब मोही, मैं राम की सुगंध लेकर कहता हूं, अगर तेरे साथ कोई छल या कपट कर रहा हूं, लेकिन तुझे विश्वास नहीं तो सुनो। आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, ये मारिक समुद्र में हो भारों में मगर जाए, मगर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकुर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, ये छत्री नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा, ये वीर प्रतिज्ञा ये छत्री का कथन है, मध्यस्थरी बात का ये राज भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी ये भवन है यान पहली बार उस पाक नाम की लो खाता हूँ तेरे सामने सुगंध है राम की राम की राम की। हो गया महाराज, अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। तुम्हारी हंसी पर भी कोई रहस्य है, अगर विश्वास ना हुआ हो तो मेरे तीन बेटे से नहीं महाराज, उनकी भी सुगंध खा जाऊं ताकि तुझे विश्वास हो जाए जिस भ्रम में तुम पड़े। आपने बेटे राम की कसम खाई ना, अगर ना हुआ हो तो नहीं, अब मुझे पूर्ण तरह से विश्वास हो गया। विश्वास हो जाए, बिल्कुल विश्वास हो गया, क्योंकि तू क्षत्रिय जात को कलंकित न कर देना। बिल्कुल नहीं महाराज, मुझे पूर्ण तरह से विश्वास है। सुनो महाराज, अरे लो सुनो प्राण, अरे प्राण लो कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। बस केवल इतनी छोटी सी बात, छोटी सी बात है। इस बात को लेकर तुमने कोभोन का सुंग बनाया। अरे तुम पहले कहे थी महाराज राम राजा हो रहा है, राम राजा नहीं मेरा बेटा भरत राजा होगा, हमेशा पहले कर देते, कोभोन में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर कोई बात नहीं, तुमने आखिर अपने मन का किया, राजमहलों को छोड़ा कोभोन में आई और मांगा तूने क्या, राम राजा नहीं तेरा बेटा भरत राजा हो। जी महाराज, चलो हमने ये वरदान दिया, राम नहीं बेटा भरत राजा हो जाएगा, दूसरा वरदान मांग लो महाराज। वही मांगो। सुनो महाराज, दूसरा वर
दूसर वर मांगो कर चोरी। पहले वरदान में तूने हाथ नहीं जोड़ी? नहीं महाराज। और दूसरे वरदान में हाथ जोड़ रही हो? जी महाराज। क्या विडम्बना है? दूसर वर मांगो कर चोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। अभी फिर भी संदेह है? जी महाराज। वरदान मांगने से पहले सुगंध ले ली तूने बेटा राम की? मैंने कहा था संदेह हो तो भी, तीन बेटे मेरे शेष हैं, बोले विश्वास हो गया। फिर भी कह रहे हो कि पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी? जी महाराज। इसका मतलब संदेह है तुम्हें? फिर भी मेरी मनोरथ पूरी होगी ना? जब वचन दे दिया, सुगंध दे दिया, फिर भी संदेह है, तब तो कह रहा हूँ तीन बेटे शेष उनकी भी सुगंध ले हो। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, तो सुनकर कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो महाराज, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, हाँ महाराज, राजा राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है, तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास महारानी। अरे ये क्या हो गया? क्या मैंने सोचा था? कौन अवसर का भयो गयो नार विश्वास? और क्या हो गया? एक स्त्री का विश्वास हट गया और मिस्त्री के विश्वास में पड़कर लुट गया। आज मेरी वही गति हो गई जैसे एक योगी को योग सिद्ध होते समय उसी अविद्या नष्ट कर देती है, उसी प्रकार आज मेरी गति हो गई स्त्री के प्रेम में पड़कर। मोर मनोरथ सुर तर फूला, अरे मेरा मनोरूपी कल्प वृक्ष वो फूल कर फरने की ओर जा रहा था, लेकिन अवध उजार कीन कैकेयी दीन अचल विपत करने उसे संपूर्ण जल से नष्ट करने के लिए स्वयं कहके याद तू कुल्हाड़ी बन गई, कुल्हाड़ी बन गई। महाराज आपसे मैंने पहला वरदान मांगा, आपने सही स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने तुमसे दूसरा वरदान मांगा, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, आप वचन करने लगे। भरत की रावण पुत्र न होई, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आप मुझको मोल खरीद कर लाए थे? महारानी ऐसा मत कहो, भरत की रावण पुत्र हुई यारे मोह विषय की सोई, भरत मेरा बेटा है, तुम मोल नहीं तुम्हें बहता रानी हो, मोरे राम भरत दुया की सत्य कहो कर शंकर साखी। इस बात के साक्षी तो भगवान शंकर है कि मोरे राम भरत दुया की। तूने सोचा होगा कि इसमें कोई कौशल्या की राह है तो नहीं प्रिय, और ना बेटा राम को राज का लोभ है, ये राम ही लोभ न राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, उसे राज का लोभ नहीं, उसे तो बेटा भरत से बड़ा प्रेम है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ किया है मैं जो कीन। और इसी करुण कंदन में आप हैं भैया श्री गौरव दीक्षित जी, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री दशरथ जी के चरणों में समर्पित है, साधुवाद। लेकिन मैं समझ रहा हूं क्योंकि मैं जो कीन तो बिन पूछे, ये उसो जो मैंने ठाना था अगर तुझसे पूछ लेता
तो शायद ये गति नहीं होती, मैं जो कीन तो बिन पूछे ताते परे मनोरथ छूछे। लेकिन अब भी कहता हूँ प्रिय कि प्रातः काल किसी दूत को भेजकर बेटा भरत को बुलाकर मैं शुभ दिन सजा कर उसे राजा बना दूंगा। लेकिन प्रिय मुझे राम से दूर महाराज, क्योंकि मणि बिन फणी वारित बिन मीना, पर मैं न जीव रघुवीर बिना, भले वो जल के बिना वो मछली जीवित रह सकती है, बिना मणि के वो सर्प रह सकता, लेकिन मैं नहीं जी सकता मम जीवन रघुवीर अधीना। महाराज आपसे मैंने ये वरदान क्या मांग लिए, आप प्रश्न कर रहे हैं आपके वंश में कितने बड़े बड़े राजा हुए, सत्यवादी थे निर्भरिश्चंद्र, सत्यवादी थे निर्भरिश्चंद्र जिसने सत्यदा सत्संकर में जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में, दूसरे महाराज सिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, जो स्वयं स्थान का देते थे जब आकर मांग इंद्र मांगते थे वो हड्डी अपने देते थे महाराज, तीसरे महाराज सिद्धित्य थे जो स्वयं स्थान का देते थे, जो स्वयं स्थान का देते थे जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपने देते थे महाराज, तीसरे महाराज सिद्धित्य थे जो नहीं सोचते थे अपना जब आकर जब महाराज। कर दो प्रिय मेरे पूर्वजों की गाथा सुना करके हृदय में आग लगाती हो, ये जलती हुई आग में क्यों घर डालती हो प्रिय, मैं तुझसे बार बार विनती कर रहा हूँ क्योंकि महारानी माघ मास देव मैं तो ही, अरे तू मेरा मस्तक मांग ले मैं काट कर तेरे चरणों में डाल दूंगा, लेकिन राम विरजन मानस मोही मुझे राम की वियोग मत मार महारानी, क्योंकि मैं तुझसे बार बार यही कह रहा हूँ सब पुत्र पिता को है समान, या तू ही बात जानती है, हे रामो भरती एक मुझे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है, पहला जाए राज भरत ही को ये उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर तू जा पर तूने मांगा मैं समझो न पाया भेदों को, इसलिए कहता हूं रानी ले राज भरत ही को, पर औरे क्रूर व्यवसाय न कर, हे रामो दया सा गौ पा परे इतना अन्याय न कर, मेरा बेटा राम इतना साधारण गौपात की तरह, लेकिन महारानी मैं अपने बेटे राम की तुझसे भीख मांगता हूँ, रानी रानी जो तेरा पति पूजते होता है इस समय पहरे तेरे पैरों को पकड़कर, मैं वीक चाहता हूं कि भले मेरा बेटा राम ये तपस्वी हो जाए पर मेरी आंखों से दूर न हो, दूर न हो महारानी। महाराज दो वर्जो मैंने मांगे हैं, दो वर्जो मैंने मांगे हैं,
मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर, भूले से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, दुखता है ना, यदि हृदय आपका दुखता है तो वो एक उपाय बताती है महाराज। कौन सा उपाय? ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरा बेटा राम मेरे पास बना रहे। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, राम तुम्हारे पास ही रहेगा महाराज। यदि हृदय आपका दुखता है तो वो एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर पर ही है, अभी ये बात हमारे और तुम्हारे बीच है, मैंने कहीं जाकर पंचों पर नहीं कही। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो केवल एक बार, एक बार तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछलाप पर था नहीं। क्या भोजा ओ नीच, आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी ओ नीच बुद्ध वाली नारी। तेरी बुद्धि नीची हो गई है ओ नीच बुद्ध वाली नारी। ऊंचे से हमें दिखाती है जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें हिलाती है। हम सौर वंश की चादर में ये कालिमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं छोड़। ओ सुनो महाराज, बहुत प्रात मुनि भेष धर, बहुत प्रात मुनि भेष धर चोल राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन नहीं गया तो मोर मरण, अगर राम बन नहीं गया प्रात होते ही तो मैं प्रातः होते ही मैं जहर खाकर अपने प्राण तल दूंगी। बस मैं समझ गया तू नहीं, तेरे उर से मेरा काल बोल रहा है, जो तू मुझको ललकार रही अपने ही पैरों पर अब कुल्हाड़ी मार रही। जिस दिन तू आपे में आएगी, जिस दिन तू आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर ये सिर धुन धुन पछताएगी। तुम नारियों ने पैसा बना लिया है आत्महत्या करना, जहर खाना, आग लगाना, कुएं में गिरना, ये सबसे बड़ा अपराध है। उस विधाता की लेनी को अगर तुम छीनोगी, तुम नारियों का पैसा बन चुका है ये। लेकिन जो तू आदमी ललकार रही अपने ही पैरों पर अब कुल्हाड़ी मार रही, जिस दिन तू आपे में आएगी, मैं समझ रहा हूँ क्या उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है, पर प्राणों की परवाह नहीं। सत पर मेरा जीवन है रानी, रानी आंचल पसार ले कर जा ले, ये राज भी ले और ये ताज भी ले, और बनवास भी ले मेरे प्राण भी ले बेटा। राम जत बिकल भुवालू, जन बिनु पंखो बिहंगो बिहालू। जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है, आज वही स्थिति महाराज दशरथ जी की राम जी के बिना हो गई। रंग महल के दस दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयान कैसी गए मैना लड़ी थी। अब इधर राम राम रखते रखते भुंसारा हो गया, अचूकी प्रातः काल होते ही राम जी का राज तिलक होना है, भगवान सूर्य का उदय हो गया, अब महाराज जागे नहीं है, ऐसा पहली बार हो रहा है।
द्वार भीड़ सेवक सचिव महाराज के दरवाजे में भारी भीड़ हो गई कि आखिर क्या हो गया। द्वार भीड़ सेवक सचिव कहई उदित रवि देखी जागे हूँ अजहू न अवधपति कारण कवन से गए सुमंत्र तब रावण माही देखी भया बन जा तो दिराही। सुमंत्र जी महलों के अंदर गए। हाँ, चूंकि मंत्री महाराज के जीवन की जय जयकार हो, मुझे पहले ही ये आभास हो गया था कि कोई अप्रिय घटना घट चुकी है। हे रानी, हे प्यारे राजा, ये हाल बनाया क्या तुमने? बाहर धुंध भी बजती है, इस जगह नजारा क्या बनाया तुमने? मैं जानना चाहता हूँ ये यहाँ की स्थिति क्या। श्री सुमंत्र जी कहे, जाओ महलों की ओर जाओ, बेटा राम को शीघ्र लेकर आओ, कहना आपकी मछली भैया की कहीं नहीं, आपको शीघ्र बुलाया है, जाइए। क्यों नहीं।